हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनीत सुरेखा। दोस्तों, क्या आप भी एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कार्ड बनवाएं? मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्ड्स के लिए आपको सैलरी स्लिप या इनकम डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा कार्ड लेके आया हूँ जिसे बनवाने के लिए आपको ना ही सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, ना ही कोई इनकम डॉक्यूमेंट यानी ITR रिटर्न देना पड़ेगा। कौन सा है वो कार्ड? वो कार्ड है वन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, किस तरह से आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं, इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये कार्ड आपको कैसे मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो बड़े ही काम की होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कार्ड मैं करीब एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये कार्ड काफ़ी पसंद है और मैं अपने ज़्यादातर ट्रांजैक्शन इसी कार्ड से करता हूँ। एक साल से यूज़ करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए इस कार्ड के फीचर्स के बारे में, क्योंकि फ़ीचर्स काफ़ी काम के हैं। और अगर आप भी एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं पर आपके पास कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप भी ये कार्ड बनवा सकते हैं। क्या प्रोसेस है बनवाने का, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले ये कार्ड एक मेटल का कार्ड है। मेटल का होने की वजह से कार्ड काफ़ी प्रीमियम लगता है। इस तरह के मेटल कार्ड जनरली अमेरिकन एक्सप्रेस इशू करता है। कार्ड का लुक देखेंगे तो लुक भी काफ़ी शानदार है। कार्ड ब्लैक कलर में है, बॉटम में यहाँ पे वीज़ा सिग्नेचर का लोगो है, यहाँ पे वन कार्ड की ब्रांडिंग दी हुई है, यहाँ पर आपका नाम आएगा। ये चिप इनेबल्ड कार्ड है दोस्तों, तो इससे आप 2000 से लेके 5000 तक की शॉपिंग जस्ट टैप एंड पे करके कर सकते हैं, आपको कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपको ये कार्ड मिलेगा कैसे। दोस्तों, इस कार्ड को पाने के लिए सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। पहली एप्लीकेशन है वन स्कोर, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वन स्कोर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को खोलोगे ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। ध्यान रहे, आपको वही मोबाइल नंबर देके रजिस्टर करना है जिस मोबाइल नंबर पे आपके जनरली सारे बैंक अकाउंट या अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई लोन चल रहा है वही नंबर आपको इस एप्लीकेशन में देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी भी देना है। अगर आप वही ईमेल देते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट या अदर क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट में लिंक है तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल देने से ये एप्लीकेशन आपके क्रेडिट स्कोर को फेच कर लेगा। आपको बता दें, इस कार्ड को लेने के लिए किसी भी तरह के इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस देंगे ये आपका क्रेडिट स्कोर फेच कर लेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर आता है तो काफ़ी चांसेस है कि आपको ये कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, वन स्कोर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर फेच किया जाता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो ये एप्लीकेशन आपको बता देगा और ये सीधा आपको उनके दूसरे एप्लीकेशन वन कार्ड पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बड़ा ही सीधा है। अगर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप इनके एप्लीकेशन वन कार्ड से ही कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी वेरिफिकेशन के कुछ ही दिनों में कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। दोस्तों, मुझे इस कार्ड की लिमिट 1,25,000 मिली है। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा मिल जाए या हो सकता है इससे कम भी मिल जाए, ये सब डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। और एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है तो ये कार्ड आपको मिलेगा ही। ये कंपनी क्रेडिट स्कोर अच्छा मांगती है, लेकिन क्रेडिट स्कोर होने के साथ ही ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखती है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब आपका पास्ट रिकॉर्ड। कंपनी चेक कर दिया कि पास्ट में अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपने कोई पेमेंट में डिले तो नहीं की है, कोई पेमेंट डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो लोन की किस्तें आपने सही समय पे दी है या नहीं, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। कहने का मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए तभी आपको ये कार्ड मिलेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी है, आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है तो ये कार्ड मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर आपकी क्रेडिट स्कोर 750 या 780 करीब है तो आपको 1,00,000 से ऊपर की लिमिट आराम से मिल जाएगी। बात करते हैं इस कार्ड के फीचर की। तो दोस्तों, इस कार्ड में काफ़ी अच्छे फीचर हैं। सबसे अच्छा फीचर तो ये है
कि आप इस कार्ड से जो भी शॉपिंग करेंगे आपको तुरंत रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी एक्सपायर भी नहीं होते। दूसरे कार्ड्स में क्या होता है, जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने अर्न किए हैं उन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी साल दो साल की होती है। अगर आपने उस टाइम लिमिट में वो रिवॉर्ड पॉइंट्स यूटिलाइज नहीं किए तो वो रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, पर इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते। जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करेंगे उसकी वैल्यू होगी 10 पैसे। हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू काफ़ी कम है, लेकिन आप अगर अच्छी खासी खरीदारी करते हैं तो आपके पास अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में रिडीम कर सकते हैं। यानी कि जितने रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके जमा होंगे उनको आप अगले महीने जब आपका बिल जनरेट हो जाता है उसी समय रिडीम कर सकते हैं, और उतना अमाउंट आपके बिल से लेस हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस कार्ड में 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप हर महीने 3 कैटेगरी में खर्चा करते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट, यूटिलिटी बिल्स या किसी वेबसाइट पर आप शॉपिंग करते हैं, अगर आप 3 कैटेगरी में खर्च करते हैं तो हर महीने की 10 तारीख को जिन 2 कैटेगरी में आपका हाईएस्ट खर्चा हुआ होगा उस पर आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप भी वन मेटल क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उस ऐप को डाउनलोड करके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।